नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया खबर लाइव में। मैं हूं अनूप पांडे। खबर आ रही है विदिशा जिले के गंज बसोदा से। प्रस्तुत है इंडिया खबर लाइव संवाददाता एलन चौबे की एक रिपोर्ट। गंज बसोदा से बड़ी खबर हमारे सामने देखने को मिल रही है। जी हां, गंज बसोदा में संतों की उपस्थिति में, भारी संतों की उपस्थिति में नौलखी मंदिर की कमान सौंपी गई है। जी हाँ, नौलखी मंदिर की महंताई वहाँ सौंप दी गई, जिस पर काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा था और इसी के साथ विवाद का अंत हो गया। महाराज जी, आज का ये संत समागम, ये बैठक किस उपलक्ष्य में रखी गई थी, क्या निर्णय हुए? आज का संत समागम और ये जो व्यवस्था है नौलखी की, पूज्य महाराज जी नरेंद्र दास जी शायद डेढ़ वर्ष से यहाँ उपस्थित नहीं थे, तो इसके विधिवत व्यवस्था के लिए पूज्य गंज वाले महाराज जी, बूढ़े बाबा और सभी माननीय संतों ने मिल करके ये प्रस्ताव रखा कि यहाँ संत सेवा हो, उसकी व्यवस्था के लिए पूज्य श्री महंत जी को एक व्यवस्था सौंपी गई है, ऐसा प्रस्ताव पारित किया है। इसी के लिए संत समागम और भक्त इकट्ठे हो गए थे। निर्णय ऐसा है, जब तक कोई सही चलता है तब तक वो निर्णय अटल रहता है। आप जहाँ गलत हुए तो निर्णय का कोई महत्व नहीं रह जाता। अभी तक तो हमारे पूज्य मान उनका व्यवहार तो बड़ा भाई, हम प्रभावित हैं, शीलवान और तपस्वी महात्मा है। तो ऐसा करे सभी संतों ने, अब इतने संत लोगों ने किया होगा तो उसमें गड़बड़ तो हो ही नहीं सकती। और पूज्य महाराज जी ने भी कहा है कि आपको व्यवस्था चलाने के लिए दिया गया है, तो जो अच्छी तरह चलाता है और नींद लेता है तो वही है सदा। ये कोई पर्सनल संपत्ति नहीं, बूढ़े बाबा जी द्वारा ये बनाया श्री रामानंद संप्रदाय दिगंबर अखाड़े का पंचायती जो व्यवस्था है, इसमें सर्वसम्मति से कोई व्यक्तिगत ऐसे ना गुरु टू चेला और पिता टू पुत्र प्रणाली से नहीं दिया गया है। ये आपको पंचों के सामने, प्रजा के सामने उपस्थित होकर जिसको निर्णय हो जाता है वो चलाता, और चलाना यानी साफ सुथरा छवि हो और जो चलाने में भी रुचि, जो एक योग्यता होनी चाहिए सर्वभाव, उस बात को देखकर संतों ने रखा है। तो इसमें जनता जनार्दन का एक बहुत बड़ा अपना एक योगदान है।
इस मठ की विधिवत व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अन्य अन्य स्थानों में पूज्य बड़े महाराज जी ने स्वयं जमीन आदि लगी हुई है, तो वहाँ की व्यवस्था वहाँ उस जमीन के उससे चलती है। यहाँ की व्यवस्था ये किसानों के द्वारा जो एक एक मुट्ठी अनाज दिया जाता है उससे चलती है, इसलिए निश्चित रूप से जनता की श्रद्धा यहाँ है भी और वह श्रद्धा से सेवा भी कर रही है। तो जनता जनार्दन और हमारे यहाँ ये जो पंचायती व्यवस्था है, वसीयत में पूज्य बड़े महाराज जी की स्पष्ट रूप से लेख है, इसमें किसी को भी कोई वैर विरोध जैसी बात भी नहीं है। हमारा पत्रकारों से निवेदन है कि आप पूज्य महाराज जी की जो अपने हाथ से लिखी हुई वसीयत है, आप स्वयं उसको पढ़ेंगे तो वास्तविकता का आपको बोध हो जाएगा कि कहाँ क्या वस्तु क्या यथार्थ स्थिति है, उसका आपको अनुभव हो जाएगा। इसकी कोई भी समाचार पत्र में कोई भी चीज निकालने से पहले पत्रकार या मीडिया को यहाँ के जो संत हैं, जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनसे आकर के पहले परामर्श लेनी चाहिए, महाराज ऐसी ऐसी बात निकालने जा रहे हैं, हमको ऐसी सूचना मिली है, कहाँ तक सत्य है कहाँ तक क्या है, उसके विषय में ठीक से पूर्वापर विचार होना चाहिए। क्योंकि किसी भी प्रकार से पेपर में छाप देने से लोगों की आस्था पर भी असर होता है, हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, सबकी आस्था बरकरार बनी रहे, इसलिए ये जरूरी है कि कोई भी चीज को समाचार पत्र में एक दो लोग नहीं पढ़ते, हजारों हजार लोगों की आंखों का वो विषय होता है, इसलिए उस विषय को निकालने के पूर्व अच्छी तरह से हमको, ताकि हमारा समाचार पत्र और विकसित हो, क्योंकि जब हम सही सत्य और बड़ा ही सटीक ढंग से उसको निकालने के पूर्वा पर विचार करके तो हमारे समाचार पत्र की और भी ज्यादा प्रसिद्धि होगी और उसको लोग लाइक करेंगे। इसलिए हम ऐसे हमारे गांधी जी से भी और सबसे कि भाई ऐसे तो कदम ना उठाएं, ये बच्चे की स्थान यहाँ कोई बात विवाद नहीं है, पंच जिसको बैठ करके बिठाएंगे जनता की श्रद्धा होगी वो भी यहाँ बैठ करके। अभी क्या कहा त्यागी जी ने किसी ने,